नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो 6 प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि हेल्थ आपका कैसे रहने वाला है, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, मैरिज के कब तक किस तरह के योग है, एब्रॉड क्या आप जा पाएंगे, जजेशियल सर्विस आपके लिए कैसा रहने वाला है, पॉलिटिक्स के क्या योग है, कोर्ट केस या वगैरह में आप कभी फंसेंगे तो नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट लाइन है वो है आपकी सन एंड लक लाइन। जब भी मून से लक लाइन किसी की क्रिएट होती है और सैटर्न तक प्रोमिनेंटली पहुंच जाए तो जीवन में जिस भी तरह की इच्छा मनोकामना आप जैसे जातक रखते हैं वो जरूर पूरी होती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपके जो मन का कारक है, जिसके अतिरिक्त जहां जहां आपका मन लगेगा उसके अनुसार ये भाग्य देना, कर्म कराना, सफलता देना प्रारंभ करता है। इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर ही जाकर के ज्यादा तरक्की मिलता है। अपने पैशन हो भी इंटरेस्ट को आग बन करके फॉलो करना चाहिए, उसी में एक्सट्रीम सक्सेस छुपा रहता है। भले ही भाग्य हो या ना हो लेकिन अंततः इस तरह की भाग्य रेखा मनोवांछित फल देती ही है, क्योंकि शनि तक पहुंचने के कारण इसका दायित्व हो जाता है कि आपकी सभी तरह की इच्छा मनोकामना या कर्म को पूरा करना। इस लक लाइन में किसी तरह की कोई कमी या परेशानी तकलीफ नहीं है, सिर्फ सैटर्न माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देने वाली रहेगी। इस कंडीशन में इमोशंस फीलिंग्स जो लगातार चेंज हो रहा होता है ये मूडी टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट कर देता है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण लाइफ में हर चीज होते हुए भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल स्ट्रेस एंड वरीज एग्जिस्ट कर जाती है, क्योंकि इस तरह के सैटर्न को वक्री शनि कहते हैं जो हर तरह के काम में बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ ले जाने के कारण बीच बीच में काम को रुकवाने की कंडीशन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण बार बार करियर में, थिंकिंग प्रोसेस में, डिजायर एम्बिशंस में चेंजेस करने का मन यहाँ पर क्रिएट होने लगता है। इसी कारण से लाइफ में हर चीज होते हुए भी यह कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन इन स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है। इसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रेमेडीज फॉलो करनी होती है, देन आफ्टर सही पाथ पर आप जैसे आते हुए देखने को मिलते हैं और सही डायरेक्शन में लाइफ जाने के कारण सिस्टमेटिकली हर तरह का काम, डिजायर, एम्बिशन, गोल कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलता है और उसके बाद जाकर के सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी आती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में वरीज लाइफ में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट किसी भी विषय में लगातार करती ही रहती है जो किसी भी काम की नहीं होती। तो जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को नियंत्रण में रखेंगे उतना ज्यादा ये रेखा और ज्यादा नकारात्मक प्रभावित आपको करेगी। इस कंडीशन में अपने आपको फ्री विल देना चाहिए, कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके बिहाव पर एक्शन या डिसीजन प्लानिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो जाकर के इसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है और इस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी हर विषय में आना शुरू होती है और खासकर करियर में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला होता है। दूसरा जो आपका सन है, इस सन के ऊपर में बहुत प्रोमिनेंट वे में स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है। दूसरा, इस सन के ऊपर बायफोर के मल्टीपल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीपल करियर को इंडिकेट करते हैं। सूर्य यहाँ पर आपके करियर में परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस हद की सफलता प्राप्त करेंगे। इस तरह के बायफोर के कॉम्बिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट में व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। स्क्वायर के कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी देते हैं कि कभी भी किसी तरह के काम की, पैसों की या वेल्थ की लाइफ में आपकी कमी नहीं रहेगी। इतना होने के बावजूद भी ये सन डिस्टर्बिंग कंडीशन में अवेलेबल है, क्योंकि जब मल्टीपल लाइंस यहाँ पर अवेलेबल होती है तो नेगेटिव लाइंस को ये क्रिएट करती है। मल्टीपल लाइंस यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन देती है मल्टीपल इंटरेस्ट के कारण, मल्टीपल पैशन हो भी फॉलो करने के कारण, मल्टीपल डिजायर रखने के कारण। जितना ज्यादा सन माउंट क्लियर होता है या सिंपल लाइन में होता है उतना अच्छा करियर या उतना अच्छा फ्यूचर फॉर्च्यून देखने को मिलता है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस आपको बार बार एनर्जी डिस्टर्ब करेगी, आधे अधूरे काम कराएगी, आधा अधूरा इंटरेस्ट देने वाली रहेगी और एट द एंड हर तरह के काम को आधे में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो फ्लक्चुएशंस होता है खासकर थिंकिंग का या डिजायर का या एम का वो बहुत हाई लेवल का हो जाता है, जिसके कारण डाउट्स आना, कंफ्यूजन होना और एनर्जी वेस्टेज फिर यहाँ पर देखने को मिलता है। और इन्हीं सबके अतिरिक्त जब क्रॉस का साइन बन जाए तो ये फिर सेटिस्फेक्शन और नहीं देता है, क्योंकि यह किसी भी तरह के काम का रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा है तो सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगा। और एट द एंड फिर डिफेम होना, अनसेटिस्फाइड टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग होने लगना, ऐसा लगना कि अन्याय आपके जीवन में ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट रिवॉर्ड अवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव साइन को एक्टिव करने के लिए क्रिस्टल क्लियर लाइफ स्टाइल रखना, थिंकिंग प्रोसेस रखना जरूरी है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म विजन गोल पे आपको काम करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेटली जो 37 और 9 तक का पीरियड है, खासकर 39 तक का, उसमें प्योरली आइलैंड के कॉम्बिनेशन माइंड लाइन पे जो कंफ्यूजिंग माइंड सेट, डिप्रेशन, टेंशन, वरीज क्रिएट करते हैं। अप्रोक्स 40 और 41 के बाद में आपकी माइंड लाइन काफी स्मूथ हुई है, जो आने वाले
समय में आपके अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे करियर को, अच्छे लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जितना माइंड स्मूथ होता है उतने एक्यूरेट डिसीजन, प्लानिंग और एक्शंस लाइफ में देखने को मिलते हैं जो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस क्रिएट करके देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो हेल्थ के रिगार्डिंग सावधानी रखने की जरूरत है वो सिर्फ इतना है कि आपकी जो हार्ट लाइन है उसमें बहुत सारे लाइंस और ब्रांचेस नीचे की तरफ निकल रहे हैं और टेम्परेरी बेस्ड आइलैंड के फॉर्मेशन बहुत बार यहाँ पर देखने मिल गए हैं। ये ब्लॉकेज इंडिकेट करते हैं इमोशंस को लेकर के, बहुत सारी बातें मन के अंदर घर कर जाती हैं, नकारात्मक सोच रवैया देता है और मूड स्विंग इश्यू तो यहाँ दिख ही रहा है। अब इन सब चीजों के कारण होता यह है कि जैसे आपकी जो हार्ट लाइन है ये मेजरली सैटर्न माउंट के ऊपर ही रुकी हुई है, जिसके कारण आपका जो फोकस रहेगा, ये इमोशंस जहां आपका सेटिस्फाइड होने वाला, वो बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा समृद्धि है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लेजर और डिजायर क्रिएट करके देते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे ज्यादा सीक्रेटिव टाइप की पर्सनैलिटी के भी होते हैं कि आपके एक्शन को कोई भी जज नहीं कर पाएगा, थिंकिंग को कोई कभी जज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल माइंडसेट, बिजनेस माइंडेड यहाँ माइंडसेट, लॉजिकल माइंडसेट ये क्रिएट करके देता है। तो जब तक आप जैसे ज्यादा खुद का उद्धार नहीं कर लेते तब तक किसी और का भी नहीं कर पाते और तब तक लाइफ में सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाते जब तक अच्छा खासा पैसा ना देख लें। अब यही सारी चीजें आपको प्रेशर में क्रिएट करके दे रहा है, बहुत सारा प्रेशर बिजनेस या इनकम को लेकर के। अब इन्हीं सारी चीजों के कारण और ऊपर से मूड स्विंग इशू होने के कारण आप जैसे जातकों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि मार्स से भी आपका हार्ट का कनेक्शन है, जो पहले के समय में यानी टीन एज के आसपास में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन देता रहा है, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति को ये ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन समय के साथ साथ आपने जो विकास किया है अपने अतिरिक्त, उसके कारण इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कम हुआ है। तो इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर, हार्ट इशू, डायबिटीज जैसी चीजें होने की संभावना बहुत हाई रहती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सैटर्न को अच्छा करने की जरूरत है, देन आफ्टर डेफिनेटली आप इन सब तरह के प्रॉब्लम से डील नहीं करेंगे, बच जाएंगे, क्योंकि आइलैंड का साइन प्योर हार्ट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम मेनली यहाँ डिनेट करता, यहाँ दर्शाता है। इसके बाद में मैरिज को लेकर के जब भी जुपिटर माउंट वीक देखने को मिले तो उस कंडीशन में लेट मैरिज का योग बनता है, नहीं तो मैरिड लाइफ स्टेबल ही नहीं हो पाती प्रॉपरली। अब जैसे आपके केस में यूनियन लाइन हम देखने जाएंगे तो मल्टीपल्स है, तो इसका ये तात्पर्य है कि मल्टीपल रिलेशन या इमोशनल कनेक्शन आपकी लाइफ में बिल्ड हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर के वीक होने के कारण वह प्रोमिनेंट रिलेशंस में या वंशवाद में आगे बढ़ ही नहीं सका। जुपिटर को जब आप एक्टिव करेंगे तो इस कंडीशन में आपका मैरिड लाइफ एक साल के अतिरिक्त में स्टेब्लिश होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन है आपके पाम में, यही पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लेसिंग्स भी देते हैं ईश्वर दूसरों के द्वारा, सपोर्ट सिस्टम ये होता है, जिसके कारण इस तरह की रेखा के अतिरिक्त जीवन में सभी तरह के तनाव, तकलीफ, परेशानी से मुक्त करने के लिए कोई ना कोई मौजूद होता है। तो आपका ये लाइन बहुत प्रोमिनेंट एक्टिव है और अप्रोक्सीमेटली वन ईयर में मैरिज होने की संभावना बहुत ज्यादा अच्छी है। जुपिटर का रेमेडी यहाँ पर आपको करना है और वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। आफ्टर मैरिज आपका लक बहुत अच्छा है, क्योंकि मून लक लाइन में पहले मदर लक आता है, फीमेल लक के अतिरिक्त ये लक लाइन आती है, जिसके कारण मदर के बहुत सारी क्वालिटी आती है, सपोर्ट आता है। देन आफ्टर स्पाउस लक आता है, जिसके कारण शादी के बाद कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पर यह क्रिएट करके देता है, लग्जरियस लाइफ देता है। देन आफ्टर डॉटर आते हैं। इसी तौर तरीके से जब आप जैसे जातक जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो जीरो से जो लाइफ को शुरू करना पड़ता है, यही वो लक लाइन है जो जीरो से हीरो व्यक्ति को बनाती है। तो इस कंडीशन में आपके फॉरेन जाने के चांसेस अच्छे खासे मौजूद दिखाई दे रहे हैं और आपका माइंड लाइन जिस स्ट्रक्चर में चल रहा है आपका, बहुत अच्छा खासा पढ़ाई करने का योग भी है। माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है और स्ट्रांग होने के साथ में लॉन्ग हो जाता है तो ये लंबी पढ़ाई लिखाई को और सक्सेसफुल स्टडीज को यहाँ पर डिनोट कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में आपको पीएचडी के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। एब्रॉड आप घूमने भी जाएंगे लेकिन वहां पर सेटलमेंट के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर आपका सन पर स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंटली आ गया, अभी ये डेवलप ही हो रहा है। जजिशियल जब भी सर्विसेज की बात आती है तो सैटर्न ही देखा जाता है और सैटर्न पे आड़ी रेखा थोड़ी बहुत यहाँ कमजोर हो रही है। और दूसरी जो अन्य चिन्ह है, जैसे यहाँ पर आप स्लाइटली फिश सिंबल देखेंगे, इधर स्क्वायर देखेंगे, ये सारी चिन्ह अगर और मजबूत स्थिति में आती है और आड़ी रेखाएं खत्म होती है तो डेफिनेटली ये जजिशियल सर्विस में आपको सफलता दे सकेगा। बहुत हाई पोजीशन अथॉरिटी देने के चांसेस आपका सन एंड सैटर्न क्रिएट कर रहा है, बस जो बैरियर्स है हमें उसे यहाँ पर हटाना जरूरी है। पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए जुपिटर का इस तरीके से दबा होना धोखा दिला देता है, चीट फ्रॉड वगैरह करा देता है, तो अभी इन सब चीजों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
अभी यहाँ पर पहले साइन बनने दीजिए। साइन बनने का तात्पर्य ये होता है कि जब हमारा लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे हमारे पास विजडम आ जाना, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ जाना, नॉलेज हो जाना, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन हो जाना, ये सब इंडिकेट करता है सभी तरह का पर्वत। तो ये जुपिटर माउंट जो दबा हुआ है ये अभी आपको लक ही नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज आपको लग सकती हैं कि अच्छी हैं, आपको सर्कमस्टांसेस भी ऐसे दिख सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं इसमें, लेकिन आपका लक नहीं होने के कारण वहां पर अंततः फ्रॉड हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा। तो अभी ये सब साइन डेवलप होने दीजिए, जुपिटर आप रेमेडी करिए। जुपिटर पॉजिटिव होने का सबसे पहला असर तो यही होता है कि मैरिज होती है, बच्चे होते हैं। इसके बाद में आप जैसे जातकों का पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, स्टेटस लाइफ का खासकर बढ़ जाता है, प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बढ़ती है, ये सारे पॉजिटिव आपको रिजल्ट आने जरूरी है, देन आफ्टर आप पॉलिटिकल वे में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में कोर्ट केस की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आउटर मार्स की तरफ में आपकी थोड़ी बहुत आड़ी रेखा जरूर मौजूद हो रही है, तो ये कोर्ट केस देती है। ये रेखा की अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा ताकत में नहीं है, तो इस कंडीशन में हाईली चांसेस है कि केसेस तो हो लेकिन आप उसमें से सकारात्मक रूप से निकल जाए। लेकिन अगर चाहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही लाइफ में ना आए तो यहाँ पर आपको सन को, सैटर्न को और मार्स को पॉजिटिव करने की जरूरत है और वो सब रेमेडी आपको दिया जाएगा। बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके पाम में, क्योंकि भले ही रेखाएं कितनी खराब क्यों ना हो, पर्वत डिस्टर्ब क्यों ना हो, लेकिन सिंपल अगर एक लक लाइन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाती है या कोई भी एक रेखा मजबूत स्थिति में आ जाती है तो वो एक रेखा सब पर भारी पड़ जाती है। जैसे लक मजबूत में है, सपोर्टिव लाइन मजबूत में है और माइंड लाइन मजबूत में है, तो हर एक्शन सही साबित होगा, हर कर्म का फल सकारात्मक मिलेगा, न्याय मिलेगा और हर तरह से सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में दृश्य अदृश्य रूप से अवेलेबल रहेगा। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट चीज दिखी और इसी के बिहाव पर आपका आने वाला भविष्य हर तौर तरीके से अच्छा दिखाई दिया है। फिलहाल आते हैं पाम के स्ट्रक्चर के ऊपर में, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है। थंब की जो लेंथ है वो जरूर लॉन्ग है, तो जब थंब लॉन्ग होता है तो ये व्यक्ति को स्टबर्न टाइप का नेचर देता है। इस कंडीशन में अपने लाइफ पे जो रूल्स होता है वो बहुत अच्छा लगा करके रखते हैं, एथिक्स बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। जो चीज एक बार ठान लेते हैं वो निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग थंब एक व्यक्ति को बहुत डेडिकेटेड टाइप का पर्सनैलिटी दे देता है अपने काम या डिजायर के प्रति। तो जब तक जो चीज दिमाग में चल रही है वो जब तक पूरी ना हो जाए तब तक शांति से बैठ पाना मुश्किल होता है। इस तरीके का थंब और माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, चाहे किसी भी टर्म्स कंडीशन डिस्टर्बिंग आपके सामने क्यों ना रख दी जाए, आप समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि ये थंब आपको हार मानने नहीं देगा और ये माइंड कहीं ना कहीं लगा ही रहेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको इंडिकेट कर रहा है कि जितना लॉन्ग टर्म विजन रहेगा, जितना हाई गोल रहेगा, जितना ज्यादा आप एम्बिशियस रहेंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी, विल पावर, उतना अच्छा और उतना बड़ा लाइफ आपका होता चला जाएगा। अभी तो 40 की ही उम्र है, आपका भाग्य उदय तो 42-43 के एज में ही अवेलेबल है, तो इसीलिए ये समय बहुत अच्छा चल रहा है अपने आप को प्रिपेयर करने का, क्योंकि फर्स्ट फेलेंज पर जब इसी आड़ी रेखा आती है तो हाइपरटेंशन वरीज का मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हाइपरटेंशन वरीज भी ज्यादा दिक्कत वाली नहीं होती, लेकिन ये क्षेत्र है विल पावर का, आपको पूरा विल पावर ही अफेक्ट कर देगा। छोटी सोच, छोटी नियत, शॉर्टकट अपनाना, हार मानने लगना, खुद से हारना, इस तरह की चीजें, कॉम्प्रोमाइज करने लगना, ये सब देने लगता है। ये सारी चीजों से बचना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये लाइफ को नॉर्मल ही रखेगा। फिर यहाँ पर योग का साइन है, इसे एक्टिव करिए, ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है, गॉड गिफ्टेड साइन होता है, जिन लोगों को इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप होने की हाईली पॉसिबिलिटीज होती है, जो लोगों को ईश्वरीय कृपा मिलती है जिसमें एक तरीके से धार्मिक आध्यात्मिक सुख भी मिलता है या प्रगति होती है, और तमाम तरह का मटेरियलिज्म भी लाइफ में एंजॉय करते हैं जिसमें कंफर्ट लग्जरीज बहुत एक्सट्रीम जाता है, तो ये साइन कहीं ना कहीं आती है। इसीलिए यहाँ पर इंट्यूशन सिक्स सेंस डेवलप होता है कि ऐसे इंसान अपने खुद के करीब बहुत होते हैं, उन्हें पता रहता है हर चीज के बारे में, यह पता चल जाता है समय के साथ में, इसलिए हर तरह का काम सही ढंग से होना शुरू होता है। इसलिए इस कंडीशन में मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, पैशन इंटरेस्ट फॉलो करना, डेली मंदिर जाना, इसके बाद में तमाम तरह की नेगेटिविटीज, चाहे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो, बहसबाजी हो, दूसरों का मसला हो, ये और किसी तरह का नेगेटिव ट्रेट, इन सब चीजों से दूर रहना, आइसोलेटेड रहना थोड़ा जरूरी होता है, तब जाके ये साइन एक्टिव होता है और अपने रिजल्ट अच्छे देना शुरू करता है। अदरवाइज आपकी लाइफ तो टेंशन वरीज में ही और अपने आप को सही प्रूफ करने में ही निकल जाएगी इस कंडीशन में। तो थंब के बाद में जब फिंगर नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में दे देता है, जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार ढलेंगे, नहीं तो समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल देने वालों में से रहेंगे।
फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे जो को आपको अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक रुचि दे रहा है, इसलिए स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग करना आपके लिए इस कंडीशन में ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है फर्स्ट से, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। जब जब लाइफ में इनिशिएशन लेंगे, नया काम या रिस्क लेंगे, तब तक लाइफ आपकी अपग्रेड होती जाएगी। जब जब आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, तब तक लाइफ डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को संघर्ष के द्वारा जीवन में बड़ी गद्दी व पद देते हैं और खुद के दम पे देते हैं, इसीलिए आपको अपनी इनर क्वालिटीज को डेवलप करते रहना जरूरी है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन वही जो मरकरी माउंट है वो डेवलप बहुत अच्छा है, तो इस कारण से मरकरी को कोई बहुत बड़ा दोष नहीं दिखाई दिया है। और इसी कारण से आप जैसे जातकों में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। मरकरी माउंट अच्छा होने के कारण किसी को भी मैनिपुलेट करना, अट्रैक्ट करना, कन्विंस करना, बिजनेस लक, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट डील प्रोमिनेंटली वे में करना, इंफॉर्मेशन नॉलेज में यूटिलाइजेशन करना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करना, ये इस मरकरी के अतिरिक्त आता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन आड़ी रेखा भी ज्यादा है, जो रिश्तों में अनबन मतभेद देते रहता है। जब भी मार्स का कनेक्शन हार्ट से होता है तो उस कंडीशन में रिश्तों में तनाव आता है, नए लोग आते हैं पुराने लोगों के बिछड़ने के तुरंत बाद, लेकिन इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म या स्ट्रॉन्ग रिलेशंस देखने को नहीं मिलता। तो मार्स रेमेडी जब की जाएगी तो जितने भी एनिमी है वही फ्रेंड बनेंगे और अंततः एनिमी बचेंगे ही नहीं। तो इसी कारण से रिश्तों में थोड़ा बहुत भी तनाव अगर आता भी है उसके बाद, तो झेलने की कैपेसिटी दोनों तरफ से अच्छी हो जाएगी और उसी कारण से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्रीज होने लगेगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, उतना ज्यादा इन सब तरह के जो वरीज लाइन हम देख रहे हैं सब आपकी खत्म होना शुरू हो यहाँ पर हो जाएगी। फिंगर के बीच में जब गैप होता है तो ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देता है। आप जैसे जातक किसी पर पाबंदी लगाने वालों में से या अपने ऊपर भी पाबंदी महसूस करने वालों में से नहीं होते। खुले स्वतंत्र विचारों का होने के कारण यहाँ पर आप जैसे जातकों को कोई रूल करे या आप किसी पर करें, ये सब पसंद नहीं होता है। इसी कारण से खर्च करते समय भी ज्यादा नहीं सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी ज्यादा नहीं सोचते हैं, वर्तमान में जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी अच्छा लगता है वो करना पसंद करते हैं। ये सारी आदत बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिंगर पे आड़ी रेखा कहीं ना कहीं वरीज ला करके देगी, क्योंकि नेगेटिव थॉट प्रोसेस अभी भी है जिनका, तो उसे हमें यहाँ पर खत्म करना है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो अगेन एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। सूर्य मजबूत होते हैं तो ये सारे कॉम्बिनेशन खत्म होंगे, देन आफ्टर आपका इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर लाइफ स्टाइल होने लगेगा कि हर तरह का डिसीजन एक्यूरेट साबित होना, इमीडिएट रिजल्ट मिलना, सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप अच्छी है, तो स्टेमिना एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है। शुक्र भी अच्छा जा रहा है, तो ये आपको सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, कंफर्टेबल लाइफ या कह लें लग्जीरियस लाइफ डेफिनेटली देने वाला है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेयरिश हैंड में आ रहा है, जो अगेन एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी हो है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम मेहनत करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। जुपिटर माउंट भले ही वीक है, लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखा होने के कारण ये बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी दे रहा है। इस कंडीशन में पुण्य कमाने के बहुत मौके मिलते हैं, दूसरों की मदद करके ईश्वर के निकट जाते हुए देखने को मिलते हैं, अच्छा कर्म करते हुए। यहाँ पर जुपिटर माउंट वीक होने के कारण जिस हद का फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए था, गाइडेंस, एडवाइजेस, नॉलेज, गुरु मिलने चाहिए थे, वो जरूर नहीं मिले, लेकिन शिव जी की आराधना से, आपको ईश्वरीय कृपा से, इष्ट देव की आराधना से ये सब कुछ फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी साइन मजबूत होने के लिए ही आए हैं, अदरवाइज ये सब नहीं बनते। ट्रायंगल का साइन जब बनता है तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्क देता है, बड़े को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट डील्स देने वाला होता है। स्क्वायर जैसे साइन यहाँ पर आप जैसे जातकों को सेफ्टी और सिक्योरिटी देते हैं कि आपके फैमिली लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, स्टेटस में, पद प्रतिष्ठा जैसी चीजों में कमी नहीं आएगी, रिसोर्सेस लाइफ में हमेशा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर प्रोमिनेंट विजडम का कॉम्बिनेशन होता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके पास ह्यूज एक्सपीरियंसेस है उसका कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए आदर सम्मान अपने आप से मिलता है आगे से रहकर। तो ये सारे साइन को एक्टिव रखने के लिए या डेवलप करने के लिए हमें पुण्य भी करना है, रेमेडी भी करना है, और प्रैक्टिकल वे से हमें अपने नॉलेज और ओवरऑल हमारे स्किल्स को डेवलप लगातार करते जाना है। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब भी स्क्वायर का साइन आता है तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल जैसी चीजों से बचाता है, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, और एट द एंड बहुत ज्यादा सुखमय बुढ़ापे को भी यह इंडिकेट करता है।
यहाँ पर जब भी फिश सिंबल जैसा साइन आना शुरू होता है तो एम्पायर जिस व्यक्ति का खड़ा होता है या जो बहुत बड़े स्तर पर अपने कुल में निकल जाते हैं, दूसरों को बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, नौकरियां देते हुए पाए भी जाते हैं, तो इस तरह के भी साइन आ जाते हैं। अब क्यों कहा गया आपको कि 42 और 3 के एज में आपको भाग्योदय है, तो ये जो आप लक लाइन देख रहे हैं जो इतनी प्रोमिनेंट वे से आगे की तरफ गई है, ये करेक्ट यहाँ पर अवेलेबल आपको 42 में हुई है। और यहाँ पर हम अगर इसी पीरियड की बात करें आपके माइंड लाइन से भी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपकी जो मरकरी की तरफ रेखा झुकी है जिसे सक्सेस लाइन कहते हैं, यह अर्निंग कैपेबिलिटी देती है, नहीं तो अलग माइंडसेट देती है, अलग इंटरेस्ट देना शुरू करती है जिसमें लाभ मिलता है। तो ये भी करेक्ट यहाँ पर आपको 42 के बाद से प्रोमिनेंट रिजल्ट देता दिखाई दे रहा है। स्लाइटली लेवल पे आप फिश साइन का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये 48 से लेकर 50 के मिड में प्योरली सन माउंट की तरफ ही डेवलप हुआ है, जो पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और वेल्थ, ये सात तरह की चीजें लेकर के देता है। किसके बिहाफ पर? मेंटल कैपेबिलिटीज के बिहाफ पर। नॉलेज, विजडम, एक्शन, डिसीजन, विवेक, ज्ञान, ये सब कुछ आता है। हर तरह का डिसीजन एक्यूरेट साबित होता है, अलग मानसिकता क्रिएट होती है, वो चीजें दिखना शुरू होती है जो किसी को ना दिखे, क्योंकि यव का साइन भी इंट्यूशन दे रहा है और ये भी माइंड लाइन से कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, नया इनिशिएशन ले लेना, अपने स्टडीज के बिहाफ पर अपनी जो पोटेंशियल है उसे प्रूफ कर देना, ये सब चीज कहाँ से शुरू हो रहा है? करेक्ट 42 और 3 से। इसीलिए ये पीरियड आपके लिए इतना ज्यादा फ्रूटफुल दिखाई दिया है हर विषय को लेकर के। तो सैटर्न की कंडीशन इस हिसाब से अच्छी जा रही है। सन की कंडीशन में जब भी सन लाइन माइंड लाइन से कनेक्टेड हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर अगेन जाते हैं। ये सारे साइन टॉप लेवल पर ले जाने के लिए ही है, क्योंकि माइंड लाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कराता है और माइंड लाइन आपके बुद्धिमता ज्ञान के बदौलत आपको सम्मान, इज्जत और वैल्यू क्रिएट करके देता है। तो सन यहाँ पर सफलता की रेखा है और ये माइंड लाइन से कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन में जितना मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगा, जितना खुद पर विश्वास होगा, जितना खुद के करीब रहेंगे, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ बेटर होता जाएगा। इसलिए आपको हायर स्टडीज के लिए परस्यू करना चाहिए। ये सारी चीजें करने से एक लाभ तो जरूर मिलेगा कि ये जितनी भी अननेसेसरी लाइन है जो बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, ये सब आपकी खत्म हो सकेगी, लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट हो सकेगा, पाथ दिख सकेगा और फिर लगातार समृद्धि आने की ये चिन्ह होते हैं जिसे यशस्वी योग कहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा रईस हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, जिनके कॉन्टेक्ट रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, एक कनेक्शन पे किसी भी तरह का काम होना शुरू हो जाता है, हर विषय को लेकर के जब समाधान होने लगता है, इस तरह के चिन्ह हथेली में मौजूद होना शुरू होते हैं। आउटर मार्स से भी रेखाएं आ रही हैं, जो जिसे डेडिकेशन लाइन कहते हैं और पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, अपने काम के प्रति सीरियस डेडिकेटेड बनाता है और पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त इस रेखा के कारण संघर्ष बहुत जीवन में होता है। संघर्ष या मेहनत, यही दो चीजें होती हैं। संघर्ष वो कि जहां पर इंटरेस्ट नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे तो संघर्ष पैदा हो गया, और मेहनत कर रहे हैं तो ये रेखा फिर राजा तुल्य जीवन शैली देती है, क्योंकि सेनापति योग का निर्माण तो इस रेखा ने कर ही दिया है। मंगल सूर्य के कॉम्बिनेशन में सेनापति योग निर्मित होता है कि आपको भले ये फील ना हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व, तो आपका ओरा ऐसा है कि आप किसी के साथ भी अगर हो जाए उन्हें मजबूती महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपका मार्स इन सब विषयों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इन दोनों को जब हम एक्टिव करेंगे, और वो भी प्योरली डेडिकेशन के कारण, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी के कारण, डिसिप्लिन के कारण, तो ये रेखा आपको इतना ज्यादा भाग्य देने वाली है कि अभी तक जो जीवन में दिख रहा है कि इस जीवन में हिसाब किताब होता है पूर्व पुण्य रेखा के कारण, तो जो दिख रहा है कि लोग ले ले करके जा रहे हैं, उल्टा हो जाएगा, लोग आ करके देना शुरू कर देंगे कुछ भी, तो ये इस रेखा के अतिरिक्त संभव हो सकता है। और यही रेखा आपको फिर कोर्ट केसेस या नेगेटिविटी, यानी कह लें आप रोग ऋण शत्रु से आपको बचा करके रखेगी। मरकरी माउंट पर मल्टीपल लाइन जब होता है तो उम्र से कम दिखते हैं, अपने वाक शक्ति से या पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट कर पाने की क्षमता बहुत अच्छी देता है, इसीलिए रिलेशंस को भी ये लगातार बनाते और बिगाड़ते रहता है। बिगाड़ तो मंगल रहा है, लेकिन बनाते सिर्फ मरकरी रहता है। लगता ही नहीं पहली बार आपसे बातचीत हो रही है, और इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने के आसार हो जाते हैं किसी भी तरह के बिजनेस में, सेल्स में, और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया के द्वारा, ब्लॉगिंग या ट्रेडिंग के द्वारा भी लाभ दे देने वाला होता है, क्योंकि कैलकुलेशन स्किल, लर्निंग हैबिट, मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसा नॉलेज, रीजनिंग, ये सब कॉम्बिनेशन ये अच्छी देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, तो एक तरीके से मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व है, इस तरीके का लूप ऑफ ह्यूमर भी बनता है,
तो किसी भी माहौल की जान शान बन जाते हैं अगर मूड सारी चीजें अच्छी हो। लेकिन धोखे बहुत मिले हैं आपको और ये आगे भी मिलने की संभावना है। तो वो जुपिटर जैसे अच्छा होगा, ये चीट फ्रॉड ये सारी चीजें खत्म होगी। और इस तरह के जब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं तो सिर्फ शिव जी ही हैं जो हर तरह की एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। वहीं कालों के काल भी हैं और वही एक्सट्रीम लेवल पे जाए तो भोले भी हैं। तो इस कंडीशन में आपको उनका ही सजेशन दिया जाएगा। वही इष्टदेव भी आपके दिख रहे हैं पाम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वहां से आपका उद्धार बहुत अच्छा लिखा हुआ है। शुरुआती जीवन बड़ा कष्टकारी रहा क्योंकि इस तरह के द्वीप के छोटे छोटे आकृति टीनेज के आसपास में बन जाए तो ना ग्रोथ होती है, ना इंडिपेंडेंसी मिलती है, ना कोई मन लायक काम होता है, और भागा दौड़ी डिस्टर्बेंस कभी हेल्थ फैमिली माइंडसेट सबको लेकर के रिलेशंस को भी लेकर के अल्टीमेट लेवल पे ये चीजें जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली प्रोग्रेस लाइन स्ट्रांगली आपके लाइफ लाइन से 26-27 के एज के आसपास में निकली है। तो यानी इस पीरियड से आपने अपने अनुसार जीना, काम करना, समृद्धि हासिल करना शुरू किया। इसके बाद में माइंड लाइन पे हम देखेंगे तो ये माइंड लाइन आपका 20 से लेकर 22 के एज में आइलैंड लेके चला, यानी डिस्टर्बिंग समय रहा। फिर उसके बाद कंफ्यूजन इल्यूजन्स तो आपको थोड़े थोड़े समय पे आते ही रहे, लेकिन जो प्योर आइलैंड जैसा साइन बना यहाँ पर वो बना है 35 में अप्रोक्स और एंड हो रहा है अप्रोक्स 41 और 2 में। तो ये जो पीरियड रहा ये सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर, अकेले थोड़े समय के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस वगैरह में आपका बीता है, क्योंकि ये प्योर सैटर्न एंड सन के मिड में आया है। तो ना वर्तमान अच्छा हो रहा है, ना भविष्य अच्छा हो रहा है, ना एक्शन कोई या डिसीजन एक्यूरेट साबित हो रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, बस भाग रहे हैं और वो ही भागने के कारण कुछ नहीं मिल रहा है। ये समय के बाद में जो आपका माइंड लाइन स्टेबल हुआ है ये आपको लाइफ टाइम सक्सेस देने वाला है, क्योंकि ना कोई आइलैंड है, ना कोई क्रॉस साइन है, कोई भी नेगेटिविटी है ही नहीं, और इतनी स्मूथ एक्यूरेट माइंड लाइन होना इतना ज्यादा सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल देता है, ऑर्गेनाइज वैसे काम कराता है कि सोच ना सके हम, इतना प्रोमिनेंट एक्शन डिसीजन दिलाता है कि हर तरह का प्लानिंग, हर तरह का अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, हर तरह की चीजें एकदम सक्सेसफुल साबित होती है, क्योंकि इतना जो अभी तक एक्सपीरियंस लिया है, नॉलेज लिया है, अब उन सबका यूटिलाइज करने का समय आ चुका है। और इसीलिए तो यहाँ पर इतने ज्यादा पॉजिटिव साइन के कॉम्बिनेशन हमें दिखे हैं। मल्टीपल करियर आपका डेफिनेटली रहने वाला है, कोई डाउट नहीं है। मल्टीटास्किंग नेचर है, पर्सनैलिटी भी आपकी जो है मल्टीपल इमोशंस की है, तो एक से अधिक काम करके ही सेटिस्फेक्शन लाइफ में आपको मिलना है। यहाँ पर जो लक लाइन है वहां पर भी जो वरी लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 36 और एक अराउंड 40 और 41 में ही एक्टिव हो रही है। और अगर हम 36 में देखें लाइफ लाइन तो यहाँ पर भी वरी लाइन आई है, और उसके बाद में आपके छोटे मोटे ट्रायंगल की कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं। यहाँ पर आप ट्रायंगल देखेंगे, उसके बीच में एक छोटा देखेंगे, उसके बाद में एक छोटा देखेंगे, ये सब प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी इनहेंस करने का ही साइन है। इसके बाद में बाहर की तरफ रेखाएं झुकना, फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट भी ये रेखा दे जाती है जो केतु और शुक्र से निकलती है। तो ये सब योग आपके जीवन में वही 42-43 के मिड में बनना है। सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है, तो हमेशा लोगों का साथ मिलना, सपोर्ट मिलना और शुक्र का एट द एंड पॉजिटिव होना मैरिड लाइफ सुख देता ही है। जुपिटर की ब्लेसिंग और मिल जाए, आपका शुक्र इतना अच्छा है कि एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी और सभी तरह के प्लेजर, डिजायर, एम्बिशन, गोल को ये कंप्लीट करेगा। जीवन में जहां जहां से खुशी आ सकती है, संतुष्टि आ सकती है, प्लेजर फुलफिल हो सकता है, वो सब करके देगा। ये शुक्र आपका बहुत प्रोमिनेंट है जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ का भी इंडिकेशन है। प्रोमिनेंट जो सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में एक्टिव हुआ है वो 26 के बाद में हुआ है, जो लाइफ टाइम रहने वाला है। चंद्र के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा होना खराब है, ये मन को बहुत ज्यादा विचलित रखती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है, और इस कंडीशन में मन एकाग्रचित होने के यहाँ कारण बहुत ज्यादा आधे अधूरे इच्छाएं, मनोकामनाएं देना शुरू कर देता है, बेफिजूल का डर भय चिंता देना शुरू कर देता है। तो इसे एकाग्रचित जो नहीं है उसे ही करना यहाँ जरूरी है। मन जैसे ही आपका अच्छा होता है, चंद्रमा अर्थात जैसे अच्छा होता है वैसे आपका लक तो यहीं से तो निकला है, ये पूरा मजबूत स्थिति में आ जाएगा और बिजनेस करना आपके लिए फायदेमंद बहुत ज्यादा है। मनी ट्रायंगल का प्योर कॉम्बिनेशन है कि अपने स्किल्स के कारण या सर्विस प्रोवाइड या कंसल्टेशन के कारण, अपने कर्म के कारण और अपने ज्ञान बुद्धिमत्ता के कारण आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकने में, जमा कर सकने में और पैसा लगातार बढ़ा सकने में सक्षम रहेंगे। बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सनैलिटी का यह यहाँ पर साइन होता है। और लेफ्ट हैंड में देखा जाए तो यहाँ भी मून लक लाइन है, स्लाइटली फिश सिंबल एम्पायर खड़ा करने का साइन है।
इसके बाद में यहाँ पर बायफोर के कॉम्बिनेशन, पहले नीचे बायफोर यानी हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, जैक ऑफ इन ऑल ट्रेड्स, अप्रोक्स 35 से 40 के मिड तक ये रखता है, और 40 के बाद में जैक इन वन ट्रेड, मास्टर इन वन ट्रेड, ये सारे कॉम्बिनेशन ये डेवलप कर रहा है, इसीलिए दोनों हथेली में बायफोर ऊपर की तरफ बन गया है। जितनी भी बड़ी लाइन है ये सब खत्म होने जा रही है, प्रोग्रेस लाइन हर तौर तरीके से आपके पाम में निकलती जा रही है। किसी भी तरह के एडिक्शन, गलत संगत आदत से दूर रहिएगा, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर रहिएगा, आवेश में आकर निर्णय लेने से दूर रहिएगा, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर रहने के लिए ही ये सभी चीजों के लिए सजेशन दिया जाएगा। आपका लाइफ 2025 मिड से बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होने वाला है, और 26 के आसपास तक आते आते आपको पार्टनर और मैरिज दोनों योग यहाँ पर कंफर्म भी हो जाएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।